बताइए कि शहजाद साहब, आप कह रहे हैं कि फर्क नहीं पड़ता साफ पानी केस हो या आशियाना केस हो, क्योंकि ये तमाम केसेस 56 कंपनीज के अंडर आते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट भी उसका केस टेकअप किया हुआ था, लेकिन ये लिखा हुआ नहीं है आपके समन में ना ही आपके दूसरे प्रेस रिलीज में जो अरेस्ट करने के बाद जारी किया गया। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल आज परसेप्शन बिल्कुल मैं देख रहा हूँ सारी मीडिया की दुरुस्त हो गई है, और वो जो एक ट्विस्ट था, वो ट्विस्ट जो था, वो बल था, वो निकल गया। अब चीज़ें बिल्कुल स्ट्रेट हो गई हैं। ये आपके इलम में है कि 56 कंपनीज जो पंजाब में थी, इन कंपनीज़ प्राइवेट कंपनीज़ के ऊपर, ये पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ के ऊपर जो था, ये सुओ मोटो लिया था चीफ जस्टिस साहब ने, और वो केस नैब के हवाले हुआ था। और वो जब हमारे पास आया था तो वो एक ही केस है, उसकी जो चेयरमैन नैब साहब ने डेलीगेशन पावर दी होती है वो उसी केस की दी है। अब उसमें हम भले आशियाने में बुलाएं, भले हम साफ पानी में बुलाएं, भले वेस्ट मैनेजमेंट, भले पंजाब पावर, उन सब का माकस वो एक ही कंपनी है। तो वो एक गलत चीज़ को रंग देने के लिए ये डाउट क्रिएट किया गया, और किसी ने रिसर्च नहीं की, किसी ने हमसे ओपिनियन नहीं लिया। ये एक ही वो केस है और इसमें कोई ऐसी बात नहीं।